रहीम हम पिछले लेक्चर से ये डिस्कस कर रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और उन कंपोनेंट्स के फिर डिटरमिनेंट्स क्या हैं सो दैट वी कैन कंस्ट्रक्ट फंक्शन और डिटनिंग फंक्शन फॉर ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड सो फॉर वी हैव डिस्कस टू कॉम्पोनेट कंजम्शन एंड गवर्नमेंट परचेजेज आर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नाउ द थर्ड कॉम्पोनेट इज इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है एक तो क्लियर कर लें कि इन्वेस्टमेंट से मुराद बिजनेस के एक्सपेंडिचर बिजनेस सेक्टर के एक्सपेंडिचर फर्म्स के एक्सपेंडिचर अब ये दो तरह की हो गई एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है uh -huh. फर्म्स प्लांट्स खरीदते हैं फर्म्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं मशीन में इक्विपमेंट खरीदा जाता है टूल्स खरीदे जाते हैं वर्कर्स के लिए कंप्यूटर्स खरीदे जाते हैं या फैक्ट्री की बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया जाता है या इवन जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट जो न्यू रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है ये सारे के सारे हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में लेते हैं और इसके अंदर जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउसेज हैं उसको इंक्लूड करना है जो इस साल के अंदर हुआ है जबकि उसके मुकाबले में जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो क्या है वो ऐसे होता है कि जो बिजनेसेस हैं वो समटाइम्स अपने पास एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल रख लेते हैं ताकि जब प्रोडक्शन के दौरान कहीं अचानक से रॉ मटेरियल खत्म हो जाए तो बीच में कोई डिले ना आए प्रोसेस रुक ना जाए तो अपने पास एक एक्स्ट्रा स्टॉक रखते हैं या समटाइम्स ऐसा होता है कि आउटपुट प्रोड्यूस हो गई लेकिन जब हम एक साल के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते हैं तो उस साल के अंदर जो उनकी प्रोडक्ट है मेन एक तो है ना रॉ मटेरियल एक है उनकी आउटपुट जो प्रोड्यूस है उनकी जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस तो हो गई लेकिन क्या हुआ कि एक साल के अकाउंट्स जब तक हम क्लोज कर रहे हैं उस वक्त तक वो मार्केट में सेल नहीं हो सकी तो फिनिश्ड आइटम्स हो या रॉ हो दोनों सूरतों में हम इसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहेंगे और ये याद रखें इन्वेंट्रीज तो हर फर्म के पास होती हैं तो इसकी इन्वेस्टमेंट कैसे मेजर की जाती है हर साल में देखा जाता है कि उसके अंदर चेंज कितना आया है यहां पर एक बात बहुत क्लियर कर लें कि अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट में देखें तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का पोर्शन बहुत छोटा होता है लेकिन मैक्रो मॉडल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये इसलिए कि जब भी मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं जब कभी मार्केट में तेजी आ जाती है कभी बूम हो जाता है कभी रिसेशन आ जाता है मंदी हो जाती है बिजनेस सुकड़ जाता है इन दोनों केसेस में जो सबसे पहले कंपोनेंट इफेक्ट होता है वो यही इन्वेंट्रीज का कंपोनेंट होता है और इन्वेंट्रीज में यह भी आपने याद रखना है कि इन्वेंट्रीज या तो इंटेंशनली होल्ड की जाती हैं फार्म खुद से स्टॉक रखना चाहती है और समटाइम्स अन इंटेंडेड होती हैं अन इंटेंडेड इस तरह से होती हैं कि वो चीज प्रोड्यूस की फार्म बेचना चाहती है लेकिन उस साल के दौरान वो बिकी नहीं उसे अन इंटेंडेड इन्वेंट्री अक्यूमुलेशन कहेंगे अब इन्वेस्टमेंट जो होती है उसके भी डिटार्मिनेंट होंगे तो जैसे कंजम्पशन का डिटार्मिनेंट इनकम है या डिस्पोजेबल इनकम है इसी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है उसका मेन डिटरमिनेंट रियल इंटरेस्ट रेट है क्यों इसलिए कि रियल इंटरेस्ट रेट उन फंड्स का है जो कि बिजनेसेस को अपने बिजनेस को चलाने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए होते हैं तो चूंकि या तो वो बारो करते हैं फंड्स बैंक से तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं या अगर वो बिजनेस की अपनी सेविंग है और वो बैंक से बारो नहीं कर रहे तब भी हम इसे कास्ट में लेके आते हैं थ्रू अपॉर्चुनिटी कास्ट और अपॉर्चुनिटी मैं पहले डिफाइन कर चुका हूं एक लेक्चर में कि इस कॉन्टेक्स्ट में अपॉर्चुनिटी कास्ट ये होगा कि बिजनेसिस अगर अपने फंड अपनी इन्वेस्टमेंट में यूटिलाइज ना करें और उनको बैंक में डिपॉजिट कर दें फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म डिपॉजिट में ए, ए, उस लॉन्ग टर्म डिपॉजिट कर ले या उसको ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर दें या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दें तो उससे चूंकि वो रिटर्न ले सकते हैं तो अगर वो अपने फंड्स अपने बिजनेस में यूटिलाइज करते हैं तो उसका भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हम रियल इंटरेस्ट रेट से ही मेजर करते हैं इसका मतलब ये है कि रियल इंटरेस्ट रेट मेजर डिटॉमिनेंट है इन्वेस्टमेंट का जबकि दूसरे नंबर पर एक और डिटॉमिनेंट है वो है बिजनेस एक्सपेक्टेशन यानी कि बिजनेस की अगर एक्सपेक्टेशन ये हो कि फ्यूचर में हालात बिजनेस के अच्छे नहीं होने वाले तो वो फिर इन्वेस्टमेंट तो नहीं बढ़ाएंगे और अगर उनको ये पता हो या उनकी एक्सपेक्टेशन हो कि फ्यूचर में तो हमारे मुल्क में हमारी इकोनॉमी के हालात बहुत अच्छे होने वाले हैं तो वो उसकी तैयारी करेंगे कैसे तैयारी करेंगे इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का दो तरीके हो सकते हैं नए प्लांट्स भी लगा सकते हैं या इन्वेंट्री भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं ताकि कल को जब डिमांड बढ़े तो ये उनकी डिमांड उस इन्वेंट्री से पूरी कर सकें तो बिजनेस की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो ऑप्टिमिस्टिक भी होती हैं भी हो सकती हैं लेकिन जो आपने याद रखना है वो ये कि ये इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड नहीं होती बिजनेस एक्सपेक्टेशंस इसका मतलब ये है है कि इन्वेस्टमेंट को भी हमने दो हिस्सों में बांट दिया एक उसका वो पार्ट जो ऑटोनोमस है ऑटोनोमस से मतलब ये है कि वो इंटरेस्ट रेट से सेंसिटिव नहीं है जबकि जो दूसरा पार्ट है वो क्या है वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंडेंट है इंटरेस्ट रेट इंड्यूस्ड है इन दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो इन्वेस्ट जो आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन बनेगा इन्वेस्टमेंट फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं हम लिख सकते हैं आए विच इज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू आई नॉट विच इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस डी इन टू आर आई डी इज जस्ट अफिशेंट विच मयर देंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट बट आर आई इज द रियल इंटरेस्ट रेट विच इज एप्लीकेबल ऑन डेट आर बारोइंग ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म अब ये जो आर आई होता है ये चूंकि इसके अंदर रिस्क शामिल होता है तो हम ये कह सकते हैं कि इस आर आई को भी हम फर्दर डिक्पोज कर सकते हैं दो कॉम्पोनेंट में यानी कि आर आई आर प्लस एफ के इक्वल होता है अब इसमें से आर किसी भी सेफ एसेड का रिटर्न हो सकता है जैसे ट्रेजरी बिल का वो नॉमिनल फॉर्म में होता है आप उसे रियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और एफ से मुराद फाइनेंशियल फ्रिक्शन हैं फाइनेंशियल फ्रिक्शन का मतलब यहां पे मैं इतना एक्सप्लेन करूंगा कि यहां इंफॉर्मेशन की कमी होती है कि एक तरफ सेवर्स हैं जिन्होंने सेविंग करके लोन देना है दूसरी तरफ बारोअर्स हैं जिन्होंने बारो करके इन्वेस्टमेंट करनी है अब इन दोनों के दरमियान इंफॉर्मेशन की कमी होती है कि ये बारोअर क्या पता कल को रीपे करेगा डेट या नहीं करेगा ये लोन वापस करेगा या नहीं करेगा इसका मतलब यह है कि इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से लोन देने में प्रॉब्लम आते हैं क्योंकि लोन में प्रॉब्लम आएंगे तो इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आएंगे इसीलिए हम इसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रिक्शन तो इसलिए जब इस आर प्लस फाइनेंशियल फ्रिक्शन एफ को हम अपने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट फंक्शन में वापस सब्सटीट्यूट करें तो फाइनल फॉर्म में हमारा जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन बनेगा वो बनेगा आई नॉट माइनस डी टू आर प्लस एफ इसका मतलब है जो सेफ एसिट पे रिटर्न होता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के सेंस में या एक बेंचमार्क के सेंस में इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करता है और फाइनेंशियल फ्रिक्शन जो है वो चुकी लोन के रस्ते में रुकावट बनता है इस वजह से वो इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को इफेक्ट कर सकता है इसके बाद लास्ट कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड का आ जाता है नेट एक्सपोर्ट्स और नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स ये जो नेट एक्सपोर्ट्स होती हैं ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती हैं लेकिन हमने मेन डिटामिनेंट को देखना होता है अपने मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल के लिए तो जो मेन डिटार्मिनेंट है वो क्या है अगेन हम नेट एक्सपोर्ट्स को भी पहले दो हिस्सों में बांटेंगे एक अटोनोमस नेट एक्सपोर्ट्स और एक दूसरा जो कि किसी वेरिएबल पर डिपेंड करता है जो वेरिएबल पर डिपेंड करने वाला पार्ट है वो हम कह रहे हैं ये इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करता है अब सवाल यह है कि इंटरेस्ट रेट पे नेट एक्सपोर्ट्स क्यों डिपेंड करती हैं इन्वेस्टमेंट तो करती है नेट एक्सपोर्ट्स क्यों करती हैं तो नेट एक्सपोर्ट्स इसलिए करती हैं कि जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाए तो आपके मुल्क में दूसरे मुल्कों से सरमाया आना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से आपके मुल्क में आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है और जितनी आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है उतना ही आपकी नेट एक्सपोर्ट्स कम होती जाती हैं इस वजह से हम कहते हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट का नेट एक्सपोर्ट्स के अंदर भी एक रोल है दूसरा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर तो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर का एज सच किसी पे डिपेंडेंस नहीं होता वो डिपेंडेंस स्पेशली उस पर नहीं है जो हमारे इस फंक्शन के अंदर है और वो इंटरेस्ट रेट है तो ऑटोनोमस नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है थैंक यू